में दिखा के क्या करना है भाई, जो हमारे को है बस है, गोल्ड का बिस्किट का कारोबार है प्लस पर्ल्स रूबी एमराल्ड। तो हमारे को 70 का एक ऐसा खिलाड़ी जो निकला करोड़पति, जिसे लोग गरीब समझते थे, मिडिल क्लास का समझते थे कि बस गेमिंग खेल के यूट्यूब पे वीडियो डाल के पैसे कमाता है, लेकिन वो निकला करोड़पति। मैं बात कर रहा हूँ अरुण भाई, आप अरुण भाई को अच्छी तरह जानते होंगे, जो टॉप 5 के अंदर थे बिग बॉस के अंदर। और ये कोई मामूली शख्स नहीं है, इन्होंने भले ही बिग बॉस के अंदर कुछ बोला नहीं, अपनी अमीरी दिखाई नहीं, लेकिन एक करोड़पति है। आपने देखा होगा, शायद आपके नजरे से आपने देखा होगा कि यार ये बंदा तो बहुत ज़्यादा गरीब लगता है, मतलब कहीं ना कहीं आपके जहन में होगा, जितने भी खिलाड़ी थे वो सारे सर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शो ऑफ करते थे, लेकिन ये बंदा जरा सा भी शो ऑफ नहीं करता था, अपने हिसाब से रहता था, एक टी शर्ट एक नाइट पैंट वगैरह पहन के घूमता था, लोगों को ऐसा लगता था यार बहुत ही ज्यादा मिडिल क्लास है या गरीब है। लेकिन सुन लीजिए, कई सारे लोग ऐसा भी रहते जो दिखावा नहीं करते, और जब उनकी सारी चीजें सामने निकल कर आई थी, लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। इसी तरह से अरुण भाई की ये वाली खबर जानने के बाद कई सारों की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि अरुण भाई निकले करोड़पति। उनके सुनार के 5-6 दुकान है। मैं आपको सबसे पहले उनका वीडियो दिखा देता हूं, खुद मुझसे बोला आप सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए। जो है उनका इंटरनेशनल ज्वेलरी का कारोबार है, 5-5 शोरूम है, ज्वेलरी शोरूम है पूरे हैदराबाद में। यार बात सिर्फ बैंगन की करते हैं। बता लेता नहीं मैं, दिखा के क्या करना है भाई, जो हमारे को है बस है, गोल्ड का बिस्किट का कारोबार है प्लस पर्ल्स रूबी एमराल्ड। तो हमको सिल्वर ए से लेके जी तक का क्या होना बोलो मिल जाए। मेरी घरवाली उधर ऑलरेडी एक इन्फ्लुएंसर है, इनको एक यूट्यूब पे प्लस इंस्टाग्राम प्लस अपना टिकटॉक जो बाहर चल रहा है, वो दुनिया के फैन है इनके। जैसा कि आपने छोटा सा वीडियो देख ही लिया होगा, और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बंदे ने 3.5-4 महीने बिग बॉस में खेला, लेकिन एक बार अपने मुंह से निकाला नहीं कि उसका बैकग्राउंड क्या है। जबकि विक्की बहन ने बता दिया कि मेरे पीछे 400 लोग घूमते हैं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, कोले का धंधा करता हूं। यहां तक कि अभिषेक कुमार ने मुन्नर फारूकी को स्टार्टिंग में बोला था कि हमारे सेट लाखों लाखों रुपए के लगते हैं, जो तेरे सॉन्ग के मतलब उसमें भी नहीं है। और ऐसे कई सालों ने कुछ ना कुछ शो ऑफ करा एक्टिंग के बारे में, टीवी के बारे में, लेकिन अरुण भाई ने अभी तक एक अल्फाज भी नहीं बोला था। लोग उन्हें वहाँ के जो खिलाड़ी वो खुद ये बोलते थे कि इनको कपड़े पहनने का सेंस नहीं है, मतलब कहने के उसे बहुत ज़्यादा गरीब समझते थे। लेकिन आज अरुण मैंने जो बात बोली है, कहने के लोगों को ये लगे कि यार किसी को कपड़ों से किसी को शक्ल से जज मत करो, वो क्या निकल जाएगा हमें नहीं पता। उसी तरह से अरुण भाई की ये कहानी है। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, और उसी के साथ अरुण भाई की ये कहानी सब तक शेयर करें, सब तक फैलाइए, ताकि लोगों को पता चले कि आप जिसे मामूली समझ लेते वो करोड़पति इंसान निकला। इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ज़रूर फैलाइए।